थैंक गॉड गाइस, शिनचैन चोपड़ा, राजू और जग्गू को उन लोगों की बाइक मिल चुकी है। राजू और जग्गू अपने घर के अंदर हैं, लेकिन शिनचैन और चोप तो मेरे सामने ही खड़े हैं। और गाइस एक और बात आप लोग देख सकते हो, सामने की तरफ रही शिनचैन और चोप की बाइक। ये रेड वाली बाइक मेरे ख्याल में चोप की है और दूसरी ब्लू वाली बाइक है शिनचैन की। गाइस आप लोगों को पता ही है, शिनचैन और चोप ने ना अपनी बाइक बाहर रखी थी गैराज के बाहर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बाइक कोई चोरी नहीं कर पाएगा। अरे ब्रेकलिन भैया, अब हमारी बाइक कोई और भी नहीं चोरी कर सकता, क्योंकि हम तो घर के अंदर लेकर आ गए हैं बाइक। मेरी बाइक तो सबसे ज्यादा अच्छी है, जो कि रेड कलर की है, और ब्लू कलर की शिनचैन की बाइक है। शिनचैन और चोप की रेस होनी चाहिए। गाइस आप लोग क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में बता दो ना जरा। अरे यार फिलहाल इतना टाइम नहीं है, मैं तुम दोनों को एक बात बताता हूँ जो कि मुझे पता चली है सिर्फ, शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि थॉर के दो सूट चोरी हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। और थॉर किसी को बता नहीं रहा, क्योंकि उसकी ना इज्जत घट जाएगी और लोग तो ये समझेंगे कि सुपर हीरो के हाथों से कोई चोरी करके ले गया कोई चीज। और इसीलिए थोर काफी दिनों से ना अवेंजर्स टीम यानी टोनी स्टार के मेंशन पर भी नहीं गया। शिनचैन और चोप, मुझे लगता है यही अच्छा मौका है, हम लोगों को अगर पैसे कमाने हैं तो हम लोग थोर की मदद कर सकते हैं, थोर की मदद करेंगे और वो हमें पैसे देगा। अरे बाप रे किंग भैया, काफी अच्छा दिमाग लगाया आपने, मैं तो कहता हूँ अभी चलो, देरी किस बात की। अरे शिनचैन और चोप, तुम दोनों को शायद पता नहीं है, अगर वैसे भी हम लोग उसकी मदद करते हैं तो वो हमें पैसे देगा, वरना वो मेरे घर के अंदर आ जाएगा फ्री में मदद लेने के लिए। तो इससे अच्छा है मुझे चले जाना चाहिए उसके घर के अंदर। तो गाइस मुझे लगता है ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, शिनचैन और चोप जल्दी से आ जाओ, हमें जाना पड़ेगा अब। गाइस जल्दी से अपने गैराज के अंदर वही गाड़ी खड़ी है जो कि शिनचैन ने हमें जीत के दिलाई थी। ये रही अपनी फेवरेट कार। गाइस ये तो शिनचैन की जीती हुई कार है, जल्दी से बैठ जाओ शिनचैन और चोप। ओके गाइस, गाड़ी को भगा कर लेकर जाना पड़ेगा अब थोर के घर के अंदर, और मुझे लगता है ना थोर काफी ज्यादा परेशान होगा। लेकिन यार थोर के पास तो इतनी ज्यादा पावर है, अब तक तो उसके सूट मिल जाने चाहिए थे। ओके शिनचैन और चोप, ये रहा सामने थोर का घर, हम लोग पहुंच चुके हैं। बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ। अरे जल्दी से उतरो, ये क्या, थोर ने तो अपने घर के अंदर सिक्योरिटी लगा कर रखी है। पहले तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि सुपर हीरो के घर के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड होंगे। अरे मुझे जाना है और मुझे थोर से मिलना था। अरे तुम कहो ना, थोर घर के अंदर नहीं है, थोर कहीं पर गया हुआ है, जैसे ही आएगा मैं उसे बता दूंगा, फिलहाल यहाँ से जाओ। अरे बाप रे, ये कितना ज्यादा झूठ बोल रहा है। अरे मैंने अभी देखा गाड़ी से उतरते टाइम, थोर तो अपने घर के अंदर ही है और यहाँ से नजर भी आ रहा है। अरे झूठ की भी कोई हद होती है, मुझे लगता है गाइस ये ऐसे नहीं जा रहे, देखा हमें जाना पड़ेगा। अरे रुक जाओ, अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, रुक जाओ मैं मार डालूंगा। अरे गाइस हमारी जो कुछ मर्जी हो, थोर यार ये क्या, तूने अपने घर के बाहर तो गार्ड रखे हुए हैं जो हमें घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा थोर तेरे साथ ये हो सकता है, मुझे पता चला है कि तेरे दो सूट चोरी हो चुके हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। अरे फ्रैंकलिन, मुझे लगता है तुम्हें पता चल ही चुका है, तो अच्छा हुआ तुम मेरे घर के अंदर आ चुके हो, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। देखो मैं ये सूट वापस ला सकता था, पर उन सूट के साथ साथ मेरा हैमर भी चोरी हो चुका है, और एक सूट के साथ तो मेरा वो दूसरा वेपन स्टूम ब्रेकर भी चोरी हो चुका है। तुम्हें पता है मैं अपने हथौड़े और स्टूम ब्रेकर के बिना कुछ भी नहीं हूँ, वही मेरा प्यारा हैमर और स्टूम ब्रेकर था जो कि मुझे इतनी ज्यादा पावर देता था। अगर तुम मेरा सूट वापस ले आते हो तो मैं तुम्हें पूरे $10 million का इनाम दूंगा, यकीन मानो ये काफी ज्यादा होंगे, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। अरे गाइस ये हुई ना बात, हम लोग तो पैसों के लिए ही आए थे, शिनचैन और चोप मैंने तुम लोगों को बोला था ना। अरे फ्रैंकलिन भैया, वाकई में आपने तो हमारी लाइफ सेट कर दी, $10 million, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्रैंकलिन भैया फिर देरी किस बात की, जल्दी करो ना प्लीज। मुझे तो नए नए सपने आ रहे हैं कि मैं $10 million मिलने के बाद क्या क्या खरीदूंगा, थोर की मदद कर लेनी चाहिए हमें। अरे गाइस ये क्या कहूँ, वैसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। अरे ठीक है शिनचैन और चोप, तुम दोनों की विशेष भी मैं पूरी करूंगा। ठीक है थोर, और तुम्हारे सूट मैं वापस लेकर आऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, बस वादे के मुताबिक तुम $10 million तैयार रखना, तुम्हारे वो दो सूट वापस आकर ही रहेंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं इसी जगह पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो सूट मुझे आज ही चाहिए। अरे यार गाइस ये तो काफी जल्दी में है, शिनचैन और चोप तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा, जल्दी करो। अरे जल्दी करो, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे वाह क्या ही मॉन्स्टर गाड़ी खड़ी है यार थोर के घर के अंदर, पर अपनी गाड़ी भी किसी से कम नहीं है। अरे गाइस इन गार्ड से तो मैं बाद में निपट लूंगा। अरे शिनचैन और चोप जल्दी करो, बैठो गाड़ी के अंदर, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ से हमें पता लग सकता है कि थोर के सूट कहाँ पर है, तो जल्दी से गाड़ी को भगाते हैं।
अरे सबसे पहले तो मुझे लग रहा है क्यों ना अपनी गाड़ी को अपने घर के गैराज के अंदर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन कोई नहीं गाइस, शिनचैन का ये गिफ्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैं इसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि गाइस इस गाड़ी को हम लोग उस जगह पर लेकर जाने वाले हैं जहां पर ये गाड़ी भी चोरी हो सकती है। अरे शिनचैन चाव, हम लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। यही वो बंदा है जो थोर के घूमे सूट को पता बता सकता है, तो मुझे लगता है जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, सामने तो काफी खतरनाक फाइट चल रही है, पर इन दोनों के फाइट में से जीतेगा कौन शिनचैन? फ्रैंकलिन भैया, ये क्या, ये तो लोकी है, ये तो थोर का भाई है, आप इसके पास क्यों लेकर आ गए? शिनचैन लोकी तो बता सकता है थोर के गुबे सूटों का पता, क्योंकि जितनी नफरत लोकी करता है ना थोर से, इतना कोई भी नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि थोर का भाई है लोकी। बस चुप करके हम लोग फाइट देखते हैं कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, इसने क्या समझा, ये ले खतरनाक किस्म के पंच, मारा गया ये अति लौकी की पावर, कोई और है जो लड़ने के लिए मुझसे आए, सबकी चटनी बना दूंगा मैं, लकी का जानते नहीं है तुम लोग। मुझे लगता है ना गाइस, अगर मैंने थोर के सूटों का पता लगाना है तो मुझे इस रिंग के अंदर उतरना पड़ेगा और इस लौकी से लड़ना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया देखना, ये लौकी काफी ज्यादा खतरनाक है, कहीं पर आप अपने दांत ही ना तोड़वा के आ जाना। वो तो अभी पता चल ही जाएगा, शायद चौपर शिनचैन ने ना मुझे कमजोर समझ के रखा है। ओके लौकी, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ और देखता हूँ तू ज्यादा पावरफुल है या फिर मैं। ये क्या, ये मुझसे लड़ेगा? अरे इतना प्रोफेशनल फाइटर मुझसे नहीं लड़ पाया, उसे भी मैंने मार डाला है, तो तू क्या मेरा सामना कर पाएगा? अरे बातों से कुछ नहीं होने वाला लोकी, चला मुझसे हाथापाई कर ले, देखते हैं दो दो हाथ करते हैं कौन जीतता है। ओके गाइस, ये तो मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है, ये खतरनाक पंच मारा मैंने इसे। ओके ये तो मुझे भी मार रहा है, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे काफी जोर से मार रहा है। ओके गाइस, ये क्या, एक ही गुस्से हाथ पड़ने के बाद ये तो मर चुका है। लौकी उठ जा वरना मैं तेरा बुरा हाल करने वाला हूँ, ऐसा नाटक नहीं चलेगा यहाँ पे। मुझे पता है थोर के सूट तूरे ही चुरा के रखे हैं, बस मुझे उनका पता बता दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अरे देखा, मेरी जान छेड़ दो, मैं तुम्हें थोर के सूट का पता बता देता हूँ, पर सिर्फ मैंने एक ही सूट है जो चुराया थोर का, दूसरे सूट का मुझे पता नहीं कि वो कौन ले गया है। तुम्हें इस खतरनाक जगह पर जाना पड़ेगा जिसका पता मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ पर जाने के बाद ही तुम्हें वो सूट मिलेगा, बस इसके आगे मुझे पता नहीं है, वो सूट तुम्हें जाने पर ही पता चलेगा कि कहाँ पर रखा गया है, पर मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। ओके ठीक है, अगर तू थोर का भाई ना होता ना तो मैं तेरी जान कभी ना बख्शता और तुझे अच्छे से सबक भी सिखा देता। गाइस मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा शिनचैन चौप, इसने तो हमें पता बताया एक जगह का, लगता है वहीं पर होगा थोर का पहला सूट। ये ना फ्रैंकलिन भैया, ये लोकी हमें फंसा रहा हो, देख लेना, ये ना उसने गलत पता बताया और वहाँ जाने पर ना कुछ चोरी हो जाए। वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, फिलहाल फ्रैंकलिन भैया हमें जाना चाहिए, वो तो वहाँ पर पता चलेगा पता सही है कि गलत। ओके, हमने थोर को आज के दिन का टाइम दिया है, शिनचैन चौप जल्दी से बैठो गाड़ी के अंदर, हाँ वही पर ही जाकर पता चलेगा कि थोर का कौन सा सूट हमें मिलने वाला है, तो गाड़ी को जल्दी से भगाना पड़ेगा। ओके हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जो कि थोर ने बताई थी, पर सामने की तरफ ये क्या, सामने तो ह्यूमन हल्क, थानोस और सुपरमैन भी है, पर होने क्या वाला है मुझे पता नहीं है। ये लोग किसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कोई बताएगा क्या? ये जितने भी लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं वो सिर्फ थोर का सूट चाहते हैं, क्योंकि इस आइस रैम चैलेंज से जो भी नीचे फिनिश पॉइंट तक पहुंचेगा वहां पर ही मिलेगा उसे थोर का सूट, और जो यहां से गिरेगा वो सीधा मारा जाएगा। अगर तुम इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हो तो खेल सकते हो, जीतने पर तुम्हें थोर का सूट मिल सकता है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुम्हारे सामने ही है। ओके ये क्या, इन तीनों के साथ मुझे आइस रैम चैलेंज करना पड़ेगा क्या? अरे शिनचैन और चॉप, तुम दोनों को भी मेरे साथ आना पड़ेगा इस आइस रैम चैलेंज में, और हम लोगों के पास तो अपनी फेवरेट कार ही है शिनचैन, जो तेरी गिफ्ट की हुई थी, ये देखी, ये ना इस आइस रैम चैलेंज के अंदर तेरी गाड़ी टूट फूट जाए। फ्रैंकलिन भैया टूटने दो गाड़ी, हम लोग ना थोर के सूट वापस ले आएंगे और थोर हमें $10 मिलियन देगा, $10 मिलियन में इस तरह की कई गाड़ियां आ जाएंगी। अरे शिनचैन तेरे दिमाग की तो क्या ही बात है। ओके गाइस ये तीनों भी बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और हम लोग भी। अरे चौप रेडी हो जाओ क्योंकि ये जाने वाली है गाड़ी काफी स्पीड से। अरे गाइस उन लोगों की गाड़ियां तो काफी स्पीड से जा चुकी हैं और अपनी गाड़ी तो संभाल नहीं हो रही, ये आइस रैम चैलेंज है, गाड़ी रुकेगी नहीं, इस आइस से तो स्लिप हो रही है। ओके मैं क्या करूं, मैंने तो एक्सीलेटर छोड़ दिया है, गाड़ी खुद ब खुद ही जा रही है। अरे ये तो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, मुझे लगता है बड़े बुरे तरीके से गिरेंगे हम लोग। अरे क्या किया जाए, गाड़ी तो उल्टी पुल्टी हो रही है।
अब तो मैंने रिवर्स कर ली गाड़ी, रिवर्स के अंदर ठीक रहती है ये गाड़ी, बस हमें गिरना नहीं है। अगर हम लोग गिरे ना तो बड़े बुरे तरीके से हारेंगे। ओके, किसी तरह करके तो मैंने गाड़ी को सीधा कर लिया है, अब बड़े आराम से जा रही है। लेकिन फिर से वही हो गया, अपनी गाड़ी तो गोल गोल घूम रही है और सिंचन और चौब तुम दोनों को भी चक्कर आ रहे होंगे जैसे मुझे आ रहे हैं। लेकिन बस थोड़ी देर वेट कर जाओ, मुझे लगता है हम लोग थोर के सूट के बहुत ही ज्यादा करीब है। पहला सूट तो हम लोगों को मिलने वाला है गाइस, और मुझे लगता है यही है फिनिश पॉइंट, हम लोग पहुंचने वाले हैं फिनिश पॉइंट तक। गाइस हम लोगों ने कर दिखाया, और ये रहा सामने की तरफ थोर का सूट। सिंचन और चौब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम लोगों ने थोर का पहला सूट जीत लिया है, इन्हीं के मिल गया हमें ये सूट। वाकई में क्या ये अमेजिंग सूट है थोर का ये। मुझे लगता है सिंचन और चौब ये सूट मुझे पहन ही लेना चाहिए थोर का। तो देरी किस बात की, मैं पहन लेता हूँ इस सूट को थोर के। 1 2 3 एंड गो। फाइनली सिंचन और चौब मैंने ये सूट पहन लिया है, और क्या ही औसम नजर आ रहा हूँ मैं तो। अब तो मैं पूरे का पूरा थोर नजर आ रहा हूँ। ओके गाइस ये देखो मेरे पास थोर का हैमर भी आ चुका है। अरे सिंचन और चौब मैं तो थोर के दूसरे सूट की तलाश में जा रहा हूँ, और मैं काफी स्पीड से जाऊंगा। तुम दोनों थोर के पास पहुंचो और उसे बोल देना दूसरा सूट भी बस मिलने वाला है, $10 million तैयार रखे। ओके मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ, इस साइड से तो मुझे कुछ गुंडे नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओके ये तो पूरी की पूरी नफरी लेकर आ चुके हैं, मैंने तो समझा ये 2-3 ही होंगे, इनका तो पूरे के पूरी गैंग है इस जगह पर। अच्छा हुआ है मैं इनको मारूंगा, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे भी काफी दिन बाद ना थोर की पावर यूज करने के लिए मिली है। अरे मुझे तो उस टाइम मिली थी जब मुझे थोर के सूट वापस लाने थे, पर अब भी उसी टाइम मिली है जब मुझे थोर के 2 सूट वापस लाने हैं। क्या ही मजा आ रहा है गाइस। सबसे फेवरेट मेरी इसके अंदर लाइटिंग स्ट्राइक है थोर की, और गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है ये, किसी भी बंदे को 2 मिनट के अंदर जला सकती है। और इन गैंग वालों की हिम्मत तो देखो, अरे मैं इनके ऊपर इतनी ज्यादा लाइटनिंग फेंक रहा हूँ फिर भी ना घुस घुस कर और छुप छुप कर मुझ पर हमले कर रहे हैं ये लोग। अरे ये ले टकले कही के काले कलवे को मार डाला मैंने। अरे मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मुझे थोर का दूसरा सूट भी चाहिए। अरे मुझे जाना पड़ेगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक तो यहाँ पर जिंदा है। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे भी तेरे बाकी साथियों को मैंने काफी बुरे तरीके से मारा है। अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे पता है तुम थोर के दूसरे सूट की तलाश में हो, मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूँ। थोर का दूसरा सूट वो है गोल्ड का सूट, जो कि बिकने वाला काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बस तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, अगर तुम 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी बताई हुई जगह पर पहुँच जाते हो तो तुम्हें वो थोर का सूट मिल जाएगा। पर देखो मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो, मैं पैसों की लालच में आकर ऐसा कर रहा था, अब मुझे समझ आई है थोर एक सुपर हीरो है, मुझे बख दो, मुझे छोड़ दो। ओके ठीक है यहाँ से चला जाओ, और ना मैं तुझे बड़े पूरे तरीके से मारूंगा। अच्छा हुआ गाइस इसने तो मुझे वो वाली लोकेशन बता दी है, हम मुझे जल्दी से उसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ना थोर का नेक्स्ट सूट है। और गाइस मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर वो सूट बिकने वाला है। ओके गाइस यही वो जगह है, इसी जगह के बारे में बोला गया था, और यही पर वो सूट बिकने वाला है। लेकिन ये क्या, इस जगह पर इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है, कहां पर गए सारे लोग? ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सारे के सारे गैंग वाले कहां से निकल कर आ गए, मुझ पर शूट कर रहे हैं ये लोग। लगता है मुझे अपना टोर्नाडो घुमाना ही पड़ेगा, और ये लोग बचेंगे नहीं। अरे ये लो मेरा खतरनाक किस्म का टोर्नाडो, बल्कि थोर का टोर्नाडो। गाइस ये थोर की पावर का यूज करके ना मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, दिल तो नहीं कर रहा कि थोर के सूट उसे वापस करूं, क्योंकि ये थोर के सूट को यूज करने का जो मजा है ना वो कहीं भी नहीं है। अबे यार ये साले गैंग वाले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे अब यकीन आ गया गाइस थोर का वो एक्सपेंसिव सूट यही कहीं है, इसीलिए तो ये गैंग वाले आए हैं। ये लोग खतरनाक किस्म का टोर्नाडो, इसके अंदर आ जाओ तुम लोग, सारे के सारे मारे जाएंगे। ओके ये 2-3 रह चुके हैं और इन्हें भी मैं मार डालूंगा, मारे गए ये सारे के सारे गैंग वाले। आखिरकार तुम पहुंच ही गए, मैंने तुमको बड़ा घुमाया, मैंने समझा तुम यही थोर का सूट लेकर निकल जाओगे और दूसरा सूट मैं बेच डालूंगा। लेकिन अच्छा हुआ ये काफी ज्यादा खुली जगह है, अब मेरे पास मेरी पावर्स वापस आ चुकी है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुमसे ये सूट भी मैं वापस ले लूंगा। ये क्या गाइस, लोकी ने मेरे साथ धोखा किया। गाइस ये मैं कैसे भूल गया, ये अपने भाई के साथ धोखा कर सकता है, अपने भाई के सूट चोरी कर सकता है, तो मेरे साथ कैसे धोखा नहीं कर सकता। ओके लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, वो सूट तो यही कहीं है, मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे मार डालूंगा। ओके ये तो बड़े बुरे तरीके से मेरे को मार रहा है,
लगता है आज ये सब लोगों के सामने ना ऐसे ही नाटक कर रहा था उस रिंग के अंदर। अरे मुझे पता होता था मैं वहीं पर मार देता। मेरे ख्याल में उस टाइम इसकी पावर नहीं थी। अरे ये तो उठने का मौका ही नहीं दे रहा। इसकी ऐसी की तैसी, ये ले फिर थोर का तोड़ा। अरे बे फ्रैंकलिन, शायद लोकी तेरा भाई थोर होता तो तुझे छोड़ देता। गाइस क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताओ यस या नो। ओके मैं मार रहा हूँ इसे, बाहर रहा हूँ, ये बचेगा नहीं। और ये ले मेरी खतरनाक किस्म की लाइटनिंग स्ट्राइक। गाइस ये लो। अरे लोकी ये ले। गाइस ये तो जलकर राग हो चुका है, बड़े बुरे तरीके से चल रहा है। और क्या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट सूट ढूंढना है जो के गोल्ड का है। गाइस मुझे जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा। अरे इस साइड पर तो मुझे कोई सूट नजर नहीं आ रहा, मुझे लगता है अंदर वो छुपा कर रखा गया होगा। जल्दी से भाग कर चले जाते हैं। अरे कहाँ पर है थोर का सूट? वो गाइस वो गोल्ड का सूट है तो अंदर कहीं पर छुपा कर रखा गया होगा। ओके यहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ। बाप रे ये रहा वो सामने सूट। फाइनली मुझे दूसरा सूट भी मिल चुका है थोर का, तो जल्दी से मुझे लगता है ये रहा गोल्ड का सूट, मुझे जल्दी से इसे पहन लेना चाहिए। तो जल्दी से मैं इसे पहन लेता हूँ। फाइनली ये सूट भी मैंने पहन लिया है, जल्दी से निकलना पड़ेगा इस जगह से बाहर। ओके थोर के मुझे दोनों के दोनों सूट मिल चुके हैं। अब मैं जल्दी से चला जाता हूँ थोर के पास। चौब भी वहीं पर होंगे, तो जल्दी से मैं फ्लाई कर लेता हूँ। अरे क्या स्पीड से फ्लाई कर पा रहा हूँ मैं। और ये क्या, मैं क्यों रुका? एक मिनट, मेरे पास तो ये स्टॉर्म ब्रेकर भी आ चुका है थोर का, यानी कि दोनों के दोनों वेपन भी मिल चुके हैं मुझे थोर के। तो जल्दी से ना इस टनल से अंदर जाना पड़ेगा मुझे। ओके मैं पहुंच चुका हूँ थोर के घर के अंदर, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। ओके मैं आ चुका इस साइड पर। थोर ये ले तेरा दूसरा सूट, तेरे दोनों के दोनों सूट मुझे मिल चुके हैं और दोनों के दोनों वेपन भी। मुझे लगता है यह दोनों सूट तुझे वापस दे देने चाहिए। और $10 million कहाँ पर है? थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन, तुमने मेरी मदद की, इस मदद का मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन आज संडे है और बैंक बंद है, ये याद रखना, मैं तुम्हें कल $10 million दूंगा, मैंने तुम्हें बताया भी था। अरे ये क्या बात हुई? अरे गाइस इसने खुद ही बोला था कि ये $10 million देगा इसके सूट में वापस ले आऊं तो। गाइस मुझे लगता है फिर से हमारे साथ धोखा हो चुका है। फ्रैंकलिन भैया मैं आपको बताने ही वाला था कि तोर ने मेरे से काल छीन ली, मुझे पता था ये तोर हमारे साथ धोखा करेगा। अरे गाइस अब क्या किया जाए, मुझे लगता है इसके सूट तो वापस दे ही पड़ेंगे अब। तो गाइस देखा ना, थोर ने हमारे साथ धोखा किया, सुपर हीरो होने के साथ साथ ये धोखेबाज भी है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, ये थोर हमें कल पैसे देगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग पैसे पूरे कर सके थोर के। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैंने तो इतनी ज्यादा मेहनत की है थोर के सूट लाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।